सुनते हैं उर्दू में खसूसी अपडेट। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बीजेपी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों को बेअख्तियार करने के अमल को तेज़ कर दिया है। मोदी हुकूमत गैर रियासती लोगों को कश्मीरी ज़मीन बेचकर मुस्लिम अक्सरियती जम्मू कश्मीर में मुनज़्ज़म आबादियाती तब्दीली कर रही है। जम्मू में हालिया रियल इस्टेट कॉन्फ्रेंस का मकसद ही आबादियाती तब्दीली और कश्मीरियों की शनाख्त को ख़त्म करना है। भारतीय सरमायाकारों को मकबूजा इलाके की ज़मीन देकर सरमायाकारी के नाम पर कश्मीरी आवाम को धोखा देने की एक और कोशिश की जा रही है। मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को मिटा रही है और कश्मीरी आवाम को बेअख्तियार कर रही है ताकि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल में रुकावट डाली जा सके, जिसका वादा भारत ने आलमी बरादरी से किया था। कश्मीरी आवाम भारतीय रियल इस्टेट सरमायाकारों के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर के खोलने को कश्मीरियों के खिलाफ मोदी का एक और मजमूम मनसूबा करार दे रहे हैं, क्योंकि हिंदू कारपोरेट कंपनियों को जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी की इजाज़त देने से कश्मीरी रोजी रोटी से महरूम हो जाएंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद से यकबाद दीगरे आमराना और इम्तियाजी कवानीन मकबूजा कश्मीर में नाफिज किए गए हैं ताकि मकबूजा इलाके में भारत की हुक्मरान जमात के बसर इकतदार आने के लिए राह हमवार हो सके। अब भारत मकबूजा इलाके की आबादी, शनाख्त और सकाफत को तब्दील करने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर को फरोख करने के लिए नाम नेहाद भारतीय सरमायाकारों को पेश कर रहा है। दरिसना भारतीय पुलिस की तरफ से हैदरपुरा जाली मुकाबले में मुलव्वस भारतीय फोर्सेज के अहलकारों को बरी जुमा करार देने पर कश्मीरी आवाम गम गुस्से का इजहार कर रही है। इस सिलसिले में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का कहना है कि हैदरपुरा जाली मुकाबले के बारे में भारतीय पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग पुरानी कहानी का आधा है, जिससे अवाम और शुहदा के अहले खाना के जायज खदशात को दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने काबिज इंतजामिया से मजीद ताखीर किए बगैर मुकर्रा वक्त के अंदर अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है।